पिछले दिनों राजपुर प्रखंड में जिला परिषद सदस्यों की टीम द्वारा एक अस्पताल का निरीक्षण किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर जिला परिषद सदस्य एकजुट हो गए हैं और इस पूरे प्रकरण को साजिश बता रहे हैं। जिला परिषद सदस्यों का कहना है कि अस्पतालों के खस्ता हाल से जनता परेशान है और अब इसकी कलाई खुलकर सामने आ रही है, तो उल्टे जनप्रतिनिधियों को फंसाने के लिए साजिश के तहत मामला दर्ज किया जाता है। जिला परिषद सदस्य पूजा देवी स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं और वो निरीक्षण करने चली गई थी और जाना भी चाहिए, और स्वास्थ्य समिति का वो अध्यक्ष हैं तो उस तौर से वो गई थी, और साथ में सभी जिला परिषद प्रतिनिधि भी वहाँ गए थे, मैं भी गई थी। तो उस समय हम लोग जब गए वहाँ राजपुर, तो PHD जो वहाँ का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि जो पेशेंट थे, एक डिलीवरी पॉइंट से लेडीज़ थी जो डिलीवरी पॉइंट पे थी, लेकिन उन्हें कोई भी सुविधा, कोई भी वहाँ का जो भी हॉस्पिटल का जो सुविधा होता है उन्हें अवेलेबल नहीं था। और पूछताछ करने पे कुछ वो बता नहीं पाई, बोली कि नहीं कोई भी सुविधा नहीं मिलता है। और जब हम लोग गए वहाँ तो कोई भी नहीं था, सिर्फ एक स्टाफ था जो थे वो काफ़ी। हम लोग उनके कैबिन में गए तो हम लोग ने पूछा कि यहाँ का कौन है, प्रभार कौन है, कौन डॉक्टर है, तो कोई उनके पास कोई आंसर ही नहीं था। और वो बैठ, हम लोग कोई भी जाते हैं सबसे पहले तो आदमी कहता है कि अतिथि देवो भव। तो फर्स्ट टाइम हम लोग वहाँ गए थे तो उन्हें चाहिए था कि कम से कम हमें आदर भाव दे कि हाँ भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो वो बदतमीजी पे उतर आए, बोले कि कौन है आप लोग, हम नहीं जानते हैं कौन है जिला परिषद, क्या होता है सदस्य, बोलिए क्या बात है। और मतलब मिसबिहेविंग के साथ साथ मोबाइल निकाले वो और लगे वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने। तो ख़राब लगा हमें भी, क्योंकि हम जनता से, जनता हमें चुन कर भेजती है अपने मुद्दों को, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जब आप हम लोग जो उनका प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करेंगे तो फिर हम लोग नेता बन के क्या करेंगे। तो वहाँ पे कोई भी सुख सुविधा नहीं था, तो ऐसा लग रहा था कि जितने भी अभाव था हर चीज़ का, तो लगा कि भाई आप लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिला परिषद की टीम ने राजपुर प्रखंड के एक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही ये पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया। रजिस्टर फटा हुआ रजिस्टर रखा है। डॉक्टर के पासवान कहाँ है? हम तो ड्यूटी डॉक्टर, हम क्या बताएंगे? रजिस्टर मेंटेन कौन करता है? वो अपने सब लोग अपना अपना करता है, अपने से करके चले जाते हैं, अपना अपना सब। आपने प्रभारी को फोन लगाइए। उपस्थित है, उपस्थित कौन है? अपने प्रभारी को फोन लगाइए, बात करिए। हम हैं यहाँ पर, जिनका ड्यूटी है इसमें कितने लोग उपस्थित है? अभी है, देख लीजिए जितना लोग, सब लोग है। आप अपने प्रभारी को फोन लगाइए। नहीं नहीं नहीं, वीडियो तो हम फोन करते हैं तो, नहीं नहीं वीडियो तो, आप क्यों वीडियो बना रहे हैं? आप हम मेरा वीडियो बना रहे हैं, हम बोले कि हम वीडियो नहीं, आप बोला अधिकारी है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो बात आप ऐसे ये कहानी बात कीजिए, सब लोग बात कीजिएगा, सब लोग तो बैठिए ना, हम कुर्सी नहीं दिए बैठने के लिए, बैठे कुर्सी में बोले, देखिए कुर्सी, नहीं नहीं कुर्सी में बोले बैठने के लिए, नहीं नहीं कुर्सी में बोले हैं बैठने के लिए। मेरा ड्यूटी रूम है, कौन ऑफिस है? अरे ड्यूटी रूम है, आप नहीं 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 ड्यूटी रूम मेरा है, ड्यूटी रूम है, आप किसे कहना है? मेरा ड्यूटी रूम है। नहीं नहीं तो ठीक है, कैमरा नहीं बंद कर, आपका चैम्बर है? बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर का चैम्बर है। इसमें पेशेंट है, इसमें ड्यूटी रूम है, आप देखिए ना ऊपर में लिखा हुआ, पहले से मार्क किया हुआ है, ड्यूटी रूम है मेरा। आप अपने प्रभारी को फोन करते हैं? नहीं, प्रभारी को फोन करते हैं, चलिए चलिए बात करते हैं, चलिए बात करते हैं, बात सब कुछ प्रभारी को बात करेंगे, बात करेंगे, बोलो चलिए। मेरा नंबर है वहाँ पर, प्रभारी का नंबर है, बात कीजिए। हाँ हाँ हम बात करते हैं, बात करते हैं, पहले बैठिए बात करने के, पहले एक आदमी कौन बात करेंगे बताइए कौन ये। हाँ तो बैठिए ना, बैठिए बात करते हैं। क्या कुर्सी है? कुर्सी क्या है? अरे हम ठीक है, सब ठीक है। उस वक्त अस्पताल में मौजूद अस्पताल के चिकित्सक ने जनप्रतिनिधियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, जिसके बाद जिले के सभी चिकित्सक हड़ताल पर चले गए। चिकित्सकों ने ऐसा करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की, और हुआ भी ऐसा ही। कुछ घटना हो गई थी राजपुर में डॉक्टर साहब के साथ, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं।
डॉक्टर साहब को अनावश्यक रूप से तंग किया गया कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा, नाप सनाप गलत सलत बातें कही गई, उसका विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। आज टोकन स्ट्राइक के रूप में हम लोग काम करेंगे, उसके बाद एफ आई आर दर्ज कराया जाएगा और उस पर जो विचार होगा क्या करते हैं लोग, फिर हम लोग आगे का रणनीति तय करेंगे। मांग क्या है आप लोगों की? मांग है कि हम लोग को सुरक्षा दिया जाए, बिना वजह प्राथमिकी दर्ज करें, उसके अगेंस्ट में जो जो लोग गलत काम वहाँ पर किए, जो दुर्व्यवहार किए हैं उनको, उसके अलावा सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए। मामला दर्ज होने के बाद जिला परिषद सदस्य की पूरी टीम काफी आक्रोशित है कि वहाँ जो कि डिलीवरी अवस्था में थी, जो कि एकदम पेन उसको हो रहा था, लास्ट पीरियड चल रहा था उसका, उस अवस्था में वहाँ नीचे पड़ी हुई है। मैं उसे पूछी कि बहन आखिर तुम्हारे साथ क्या क्या दिक्कत है, तुम्हें चाय मिला बोली नहीं, तुम्हें पानी मिला बोली नहीं, तुम्हें कुछ नाश्ता मिला बोली नहीं, फिर बोले कि तुम तो इतना पेन में हो बहन, लेकिन तुम्हें मतलब बेड तक मुहैया नहीं, क्या दिक्कत है? तो बोली हमने यहाँ के प्राथमिक हॉस्पिटल में जो भी हैं डॉक्टर उनसे मैं बोली, बट हमको वहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिला। इस स्थिति में मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, क्योंकि वो गरीब परिवार है। अगर मैं आप लोग के माध्यम से यही कहूँगी कि जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए अगर हॉस्पिटल सरकारी बनाया जा रहा है तो सरकारी हॉस्पिटल में उन लोगों को दवा नहीं मिल रहा है, उन लोगों को व्यवस्था नहीं मिल रहा है, तो क्या किस लिए हॉस्पिटल बनाया गया है, किन के लिए हॉस्पिटल बनाया गया है? जो अमीर लोग हैं वो तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, लेकिन गरीब लोग हमारे कहाँ जाएंगे? मैं उस संदर्भ में जब मैं वहाँ प्रभारी कक्ष में पहुँची तो प्रभारी कक्ष में वहाँ कोई उपस्थित नहीं था, उस प्रभारी कक्ष में ताला लगा पड़ा हुआ था। मैं मैनेजर कक्ष में गई तो मैनेजर का भी कक्ष खाली था, उनका अटेंडेंस बना हुआ था बट वो कक्ष खाली था। इसके मैं बाद बड़ा बाबू के कमरा में प्रवेश की तो बड़ा बाबू का भी कमरा खाली मिला। इसके बाद हम लोगों ने वेटिंग रूम था वहाँ मैं गई तो वहाँ डॉक्टर को देखी, अपना जो कि पैर है चेयर पर रख करके आराम से मोबाइल देख रहे थे। देखने के दौरान मैं उनसे पूछी कि यहाँ प्रभार में भी कोई डॉक्टर हैं कि नहीं है, बोले कि आप लोग कौन हैं? तो मैं बताई कि मैं जिला परिषद चौसा से हूँ और स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष भी हूँ मैं बक्सर से, हम लोग आए हैं एक पेशेंट के जांच में, तो यहाँ जो कि है कि कौन डॉक्टर प्रभार में है, प्रभारी तो है ही नहीं, मैनेजर है भी नहीं, बड़ा बाबू है भी नहीं, तो हम लोगों को अटेंडेंस सीट दिखा दिया जाए, आखिर उपस्थिति यहाँ डॉक्टर कितना अटेंडेंस बना हुआ है, डॉक्टर उपस्थिति कितना है, अटेंडेंस सीट बना दिया जाए। उसी पर हमारे साथ वो अभद्र भाषा में प्रयोग किए और बोले कि आप होती कौन है, जिला परिषद हम नहीं जानते हैं, स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष हमको कुछ मतलब नहीं है, ये जनप्रतिनिधि होते कौन है हमारे विभाग को चेक करने वाले, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। इस दौरान जिला परिषद सदस्य की पूरी टीम ने बक्सर स्थित डाक बंगला में एक बैठक की। इस दौरान जिला परिषद सदस्य के अलावा कई प्रखंडों से प्रमुख और मुखिया भी शामिल रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।